आइए, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जो कि मैं पार्ट थर्ड लेकर आ रहा हूँ। वो है नेशनल पार्क, जो इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में नेशनल पार्क है। मैं उसका एक शॉर्टकट फनी वे में रिवाइज करने का एक तरीका बनाया था। इसका आज ये पार्ट थर्ड और ये लास्ट पार्ट है, जिसको आप देखकर आप ये मतलब बहुत ईजी वे में आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का है उड़ीसा। तो ये जो उड़ीसा, उड़ीसा का कैपिटल आपको मालूम है, भुवनेश्वर है। और ये यहाँ का जो नेशनल पार्क है, भीतर कनिका और सिंपलीपाल नेशनल पार्क, भीतर कनिका और सिंपली नेशनल पार्क। तो उड़ीसा का जो मैंने ट्रिक बनाया है, ईसा कनिका और इमली। ईसा मतलब उड़ीसा, ये हो गया ईसा कनिका और इमली। तो ईसा कनिका मिलकर इमली खाने चले गए, तो हो गया ईसा से उड़ीसा, कनिका से भीतर कनिका और इमली से सिमलीपाल। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ईसा कनिका इमली, ईसा और कनिका मिलकर इमली खाने के लिए चले गए। तो ये मेरा शॉर्टकट तरीका हो गया उड़ीसा का याद करने का। आइए चलते हैं नेक्स्ट राजस्थान की ओर। तो राजस्थान का जो है नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, माउंट आबू नेशनल पार्क है, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क है, क्योला देव नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है और सरसिका टाइगर रिजर्व नेशनल। रणथंबोर भी आपको टाइगर के लिए ही जाना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि राजा, इसको मैं जो ट्रिक बनाया हूँ वो इस तरह से है। राजा, राजा जो है वहाँ का, राजस्थान का जो राजा है, राजा से राजस्थान हो गया, वो डेजर्ट में गया पहले, फिर माउंट पे गया, वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिला, फिर वो हिल्स पे गया, वहाँ भी कुछ नहीं गया, फिर कोयला, कोयला के खदान में गया, यहाँ वहाँ घूमते घूमते, मतलब टाइगर के राजा लोग जो हैं वो टाइगर के शिकार के चक्कर में इधर उधर घूम रहे थे। तो डेजर्ट में गए, माउंट पे गए, हिल्स पे गए, वहाँ भी नहीं मिला, कोयला खदान में भी गए। उसके बाद वो लोग एकदम बोर हो गए, रणथंबोर किसके चक्कर में, टाइगर के चक्कर में, सरसिका टाइगर रिजर्व के चक्कर में। मतलब राजा लोग जो थे वो टाइगर खोज रहे थे कहाँ कहाँ, डेजर्ट में, माउंटेन में, हिल्स में, कोयला के खदान में, फिर भी मतलब मिला नहीं और बोर हो गए। तो इस तरह से बन गया राजस्थान डेजर्ट। तो डेजर्ट नेशनल पार्क माउंट से माउंट आबू हो गया, ये भी बहुत अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ घूमने लायक है, यहाँ जाने लायक है, बहुत अच्छा जगह है माउंट आबू। तो ये राजा लोग जो हैं डेजर्ट में गए, माउंट में गए, मतलब माउंट से माउंट आबू हो गया, हिल्स पे गए, वहाँ भी नहीं मिला, मुकुंद्रा हिल्स हो गया, फिर कोयला, कोयला के खदान में भी गए, वहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो बोर हो गए। मतलब नहीं मिलने पे तो लोग बोर हो जाता है, इसलिए रणथंभौर हो गया। और क्या नहीं मिला था, टाइगर, तो उससे बन गया मेरा सरसिका टाइगर। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, राजा लोग डेजर्ट गए, माउंटेन गए, हिल्स पे गए, कोयला के खदान में गए, कुछ नहीं मिला, बोर हो गए, उसके बाद फिर टाइगर, तो कुछ मिला ही नहीं, तो फिर टाइगर तो है ही है, तो सरसिका टाइगर रिजर्व। चलिए आइए देखते हैं सिक्किम। तो सिक्किम का जो है एक ही है, वो है कंचनजुनडुंगा नेशनल पार्क। तो सिक्किम में है एक कंचनजंगा माउंटेन रेंज, आप सुने होंगे, तो बस उससे भी आप याद रख सकते हैं कंचनजंगा माउंटेन रेंज। तो ये जो है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, इसका बस एक ही है, इससे भी हम लोग याद रख सकते हैं कंचनजंगा, सिक्किम का कंचनजंगा। और या इसको भी बहुत छोटा, सिक सिक, तो SI से सिक्किम खुद हो गया, K से कंचनजंगा हो गया, सिक मतलब एक ही है, सिक्किम, सिक से सिक्किम, के से कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु। जो तमिलनाडु में है वहाँ है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और WS से होता है ये वाइल्ड सेंचुरी। तो अब आपका ये आ गया मुकुरथी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मेन्नायर नेशनल पार्क, मुडू मलाई नेशनल पार्क। तो अब हम ये देखते हैं, इंदिरा गांधी का तो नाम सुने ही होंगे, ये पहले महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, और जवाहरलाल नेहरू की डॉटर भी थी, तो इनको तो हर कोई जानता है। तो इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी कहाँ की थी, कहाँ की थी इंदिरा गांधी,
कहाँ की थी, इंडी की थी, इंडिया मतलब, तो कहाँ की थी इंदिरा गांधी, जैसे आप पूछेगा ना क्वेश्चन किसी से पूछते हैं इंदिरा गांधी कहाँ की थी, तो थी कहाँ की थी, तो मुकुर थी कहाँ की थी, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा ना गुंड इंडिया, तो ये हो गया गुंडी, इंडी इंडी गुंडी। तो और उसके बाद एक आपका जो है इंदिरा गांधी, मतलब एक हम लोग अपने में पूछ रहे हैं इंदिरा गांधी कहाँ की थी, इंडिया की थी, तो ये तीन चीज़ तो हो गया तमिलनाडु का, कहाँ इंदिरा गांधी कहाँ की थी, इंडिया की थी। और इसके बाद ये इनका मतलब मन नहीं लगता था तो वो मलाई खाने चले जाते थे। इंदिरा गांधी कहाँ की थी, इंडिया की थी, और इनका मन नहीं लगता था तो मलाई खाने चले जाते थे। तो इस तरह से तमिलनाडु का ये पूरा नेशनल पार्क हो गया, तमिलनाडु इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी कहाँ की थी, मुकुर्थी, कहाँ की थी, इंडिया की थी, तो गुंडी। इनका मन नहीं लगता था तो फिर कहाँ चली जाती थी, मलाई खाने के लिए चले जाते थे, तो मुंडू मलाई, इस टाइप से हमारा याद हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी हम आते हैं तेलंगाना, तेलंगाना अभी ये रिसेंटली ये आंध्र प्रदेश से ये अलग होके एक नया स्टेट बना है, तो अब हम इसका देखते हैं। तेलंगाना, गाना गाते हुए महावीर जी ब्रह्मा के पास गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला, क्या मिला, मुर्गा। गाना गाते हुए महावीर, महावीर जी है ना बजरंगबली, वो कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास। तो तेलंगाना, गाना गाते हुए तेलंगाना, महावीर से महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क। अब ब्रह्मा मतलब क्या हो गया, कासू ब्रह्मा नंदा रेड्डी नेशनल पार्क, और कहाँ वहाँ कुछ नहीं मिला, क्या मिला, मुर्गा, तो मुर्गावनी नेशनल पार्क। गाना गाते हुए महावीर जी ब्रह्मा के पास गए और वहाँ कुछ नहीं मिला, क्या मिला, मुर्गा। तो हो गया तेलंगाना, गाना से तेलंगाना, महावीर से महावीर हीरा वनस्थली नेशनल पार्क, और ब्रह्मा जी के पास गए तो कासू ब्रह्मानंदा हो गए, और मुर्गा बनी, मुर्गा तो कुछ मिला ही नहीं, मुर्गा उर्गा कुछ था दिखा नहीं, तो हो गया मुर्गा बनी नेशनल पार्क। और आते हैं त्रिपुरा पे, तो त्रिपुरा का दो नेशनल पार्क है, वो जो कि एनिमल्स के ही ऊपर रखा हुआ, क्लॉडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, और बाइसन भी एक एनिमल होता है, वो बाइसन उसको क्या बोलते हैं, वो सांड की तरह रहता है, जंगली सांड उसको बाइसन बोलते हैं, जंगली भैंसा सॉरी। तो वो हो गया, तो क्लॉडेड लेपर्ड और बाइसन, तो ये तो दो चीज़ बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं, त्रिपुरा का क्लॉडेड लेपर्ड और बाइसन, यही एक है ऐसा जिसको कि कोई मतलब एनिमल के ही नाम पे ये रख दिया गया, क्लॉडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क, ये आप याद रख सकते हैं, दो एनिमल टाइप का नाम आ गया तो समझ लो आप त्रिपुरा का है। अभी आप आइए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक ही है दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का दुधवा नेशनल पार्क। तो उत्तर प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा है, गाय भैंस लोग वहाँ बहुत ज़्यादा रखते हैं, तो क्या होगा उससे ज़्यादा, दूध होगा, तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गया दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में गाय भैंस बहुत ज़्यादा है, तो गाय भैंस बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, दूध होगा, दूध होगा, तो दुधवा नेशनल पार्क बन गया। आप आइए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में क्या है, नेशनल पार्क है राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो आप हम इसमें देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर के राजा जी जिम के साथ नंदा देवी के पास गए, गंगोत्री, उत्तर के राजा जी जिम, जिम उनका जो फ्रेंड है राजा जी का, उत्तर के राजा जी जो है उनका फ्रेंड है जिम, और वो लेकर गए नंदा देवी के पास। तो वहाँ पे फिर उनका मन हुआ क्या कि चलो भाई गंगोत्री, ये क्या है उत्तराखंड में ही गंगोत्री है, तो इनका मन हुआ कि चलो भाई गंगोत्री चलते हैं। कौन कौन गए, उत्तर के राजा जी जिम के साथ और नंदा देवी के साथ, तो क्या मिला, गंगोत्री जाना था, तो वहाँ पे वो लोग को क्या मिलता है, वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स, वहाँ बहुत सारा फ्लावर्स मिलता है, और जब वैली ऑफ फ्लावर्स है तो ऑब्वियसली वहाँ पे पशु सब घूमता रहेगा, गाय भैंस बकरी सब घूमता रहेगा, तो पशु विहार हो गया। तो उत्तराखंड के जो उत्तर के राजा जी हैं जिम नंदा देवी के साथ गंगोत्री गए, वहाँ पे मिल गया वैली ऑफ फ्लावर्स और गोविंद पशु विहार। तो इस टाइप से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, उत्तर से उत्तराखंड, राजा जी तो हो ही गया नेशनल पार्क, और जिम और नंदा, जिम नंदा, जिम से जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा से नंदा देवी हो गए, तो जिम नंदा के साथ कहाँ गए, गंगोत्री।
गंगोत्री आपको याद रखना है क्योंकि ये उत्तराखंड में ही है जहाँ से गंगा निकलती हैं। तो ये हो गया उत्तराखंड में गंगोत्री, तो गंगोत्री वालों घूमने गए, वहाँ क्या मिल गया, फ्लावर्स, ढेर सारा फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स मिल गया, तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हो गया। जहाँ फ्लावर्स रहेगा तो पशु वशु इधर उधर घूमता ही रहता है, तो गोविंद पशु विहार हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इसको भी याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल के ऊपर। ये वेस्ट बंगाल है, सिंगल लीला नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया, सुंदरवंश नेशनल पार्क हो गया, नेरोरे वैली नेशनल पार्क हो गया, गोरुमुरा नेशनल पार्क हो गया, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क हो गया, सिंगालीला नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर। तो अब है इसको हमको याद रखने का है, वेस्ट बंगाल ऐसे भी बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो सिंगल टाइगर, सिंगल SINGL, सिंगल टाइगर वन में घूम रहा था, अकेला टाइगर मतलब सिंगल टाइगर वन में घूम रहा था और वैली तक पहुंच गया, नेरोरा वैली, और वैली मतलब और वैली तक पहुंच गया मतलब नेरोरा वैली। सिंगल टाइगर वन में घूम रहा था, वन में ही घूमेगा, रोड रोड पे घूमेगा तो फिर आदमी ही मार के भगा देगा उसको, तो वन में घूम रहा था और वैली में भी चला गया, वैली मतलब घाटी वाटी टाइप का हो गया, वहां भी चला गया। तो लोग वहां से देखे उसको तो डर के मारे, मतलब कहीं मारे मारे भी या डर के मारे भाग गया कि कहीं मार वार ना दे, तो गोरमुरा, और गिरते पड़ते भागे, तो परा गिरते पड़ते। सिंगल टाइगर वन में घूम रहा था, वैली और वैली में भी घूम रहा था, तो लोग वहां देखे और उसको वो गिरते पड़ते मरते भाग गए। तो गिरते मरते पड़ते, तो ये हो गया गोरुमुरा वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल का आपको याद रखना है कि सिंगल टाइगर वन में घूम रहा था, वैली में भी चला गया घूमते घूमते, और वहां पे मतलब लोग उसको देखे तो डर के मारे, तो गोरुमुरा मारे से मुरवा हो गया, और पड़ा गिरते पड़ते जल्दा पड़ा, तो इस टाइप से ये भाग गए। तो इसको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे है। वेस्ट बंगाल में आपको टाइगर है क्योंकि बंगाल टाइगर के नाम से तो ऐसे भी फेमस है, तो आपको याद रखना है। तो सिंगल टाइगर वन में घूम रहा था, सिंगल टाइगर कहाँ घूम रहा था, वन में, तो सिंगल से सिंगल लीला और टाइगर से बक्सा टाइगर रिजर्व हो गया, वन सुंदर वन हो गया, और वैली में घूम रहा था मतलब नेरोरा वैली में। तो लोग वहां पे देखे और डर के मारे भाग गए, मारे मतलब गोरुमुरा, और उसके बाद फिर क्या हो गया, गिरते पड़ते सब भागे, तो जल्दा पड़ा हो गया। इस तरह से आपका ये भी हो जाता है, और ये आपका वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और ये मैंने पूरा पार्ट 3 में पूरा इंडिया के जो भी हैं सारे नेशनल पार्क मैं कवर कर चुका हूँ। तो इस तरह से आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।